जो कलाम हजरत ने पढ़ा तो उसने मेरे अंदर एक हलचल सी कि हम पंच तन के गुलाम तो है हाँ। लेकिन पाक तनों के गुलाम भी तो तमाम रजियान थे जिनके तन पाक थे उनके पाक थे तो हम उन सब की गुलामी पर नाश करते हैं। रजी का एक वाक्य और फजीलत मुझे याद आई जी चाह रहा इस मुबारक रात में इस मुबारक हस्ती का तस्करत है एक दफा अल्लाह के रसुल्ला ने हजरत अली रजी को साहबा के मकाम पर किसी काम के लिए भेजा गोद आए है। थी, है। में आता है कि आप पे वही नाजिल हो रही थी असर की नमाज नहीं पढ़ी और अपनी गोद को हरकत देंगे तो आका की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी आका के आराम का इतना में सूरज डूब गया हज़रत अली रज़ी मनु कुछ न कह सके आका जब बेदार हुए था आ, और दूसरी जगह अली ने अगर अपने आप को आपके नबी की मोहब्बत में रोका है तो आप भी सूरज को लौटा दें हजरत अली की नमाज को पूरा करने के लिए अल्लाह ने सूरज को लौटा दादी और ये वाक़ इसको इमाम तहावी ने शरा मुश्किल आसार के अंदर लिखा इमाम तबरानी ने इसको मौजूद के अंदर लिखा काजी अयाज रहमत ने इसको शिफा के अंदर लिखा जलालुद्दीन ने इसको खसाई से कुबरा के अंदर लिखा हजरत अली के बारे में भी एक वाक़ है लेकिन उस हदीस के बारे में मुहदसिन के यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है आ, उस हदीस को इमाम तबरानी सही समझते हैं अपनी मौजम के अंदर उस हदीस को लेके भी आए जो हजरत अली रजी अल्लाह की गोद में नबी नबीम सर मुबारक रख के सोए हुए थे और हज़रत अली की नमाज छूट गई और वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने तो कहते हैं सूरज वापस निकल आया ये रिवायत अपनी सनत के अतबार से अक्सर मोहदसिन ने इसे रिजेक्ट किया है। इस वजह से नहीं कि वो हज़रत अली से को बूस रखते थे ये इ बात है लॉजिकल भी दुरुस्त नहीं है यह हो ही नहीं सकता कि नबील इस्लाम तो नमाज पढ़ के सोए और हज़रत अली ने नमाज ना पढ़ी भी हो हज़रत अली तो सारी नमाजें हजूर नमाज के पीछे ही पढ़ते थे ये ऐसा हो नहीं सकता ये लॉजिकली कोई दुरुस्त नहीं है लेकिन अगर कोई इसे सही भी मान लेता है तो सूरज का रुक जाना इतना तो आदीस में साबित है बुखारी मुस्लिम में है कि जोशुआ जो हजरत मूसा के खलीफा अव्वल बने थे हरून नाम तो जिंदगी में फौत हो गए उनके जोश इबन नून जिन्हें जोशोआ कहा जाता है उनकी जंग थी बुतप्रस्तों के साथ मुशरकिन के साथ और हफ्ते का दिन शुरू होने वाला था यानी जुम्मे की मगरिब का वक्त करीब आ गया था और हफ्ते के दिन यहूदी जंग नहीं लड़ सकते थे उनके लिए वो हरमत का दिन था अब बिल्कुल जंग एंड पे पहुंची हुई है फतह करीब है तो हजरत जोश इब्न नून ने अल्लाह के हजूर दुआ की कि अल्लाह मेरे लिए सूरज को रोक दें आज का दिन थोड़ा लम्बा कर दे ताकि हम काफरों को शिक्स दे लें क्योंकि अगर मगरब का वक्त आ गया तो जंग रोकनी पड़ेगी तो अजरत जोश इब्ने नून की दुआ की बरकत से अल्लाह ने सूरज को रोक दिया ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं और उनको फतेह नसीब होगी तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है लेकिन इस तरह कहानियों में रंग भरना कि इससे आप किसी को इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें या उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करें बिल्कुल इस तरीके से अजर तो बकर के बारे में भी वालक झूठा हुआ है के गारे शौर के अंदर वो सांप काट गया था उन्होंने एक एड़ी रख दी थी वो एक सुराख की वजह और वो सांप जो है वो कितने सालों से हजूर की सहाबियत कशरफासिर करने के लिए इंतजार कर रहा था वह डस लिया सब जाली ली हैं खुद महत्सिन ने लिखा ये मशक्त में भी बायदा हजरत उमर के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो कहते थे मुझे अबूबकर की उस एक रात की नैकी मिल जाए पूरी जिंदगी की नैकियां मैं दे दूंगा ये झूठी रवायत है सच्ची रवायत मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हरा रवायत कर रहे हैं कि हजरत उमर कहा करते थे कि जब हजूर ने फरमाया मैं कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं तो मेरी ये पहली दफ़ा ख्वाहिहश हुई कि वह झंडा मुझे मिले जो अली को मिल गया ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है ये अहल सुन्नत के यहाँ किसी को पता ही नहीं थी मेरे से पहले ना कभी किसी ने बयान की न किसी ने कहीं पफलेट में लिख के उम्मत को बताई और वो झूठी बकरी बयान करते रहे हजरत अबू बकर उमर उस्मान, अली रजीन अजमीन खुलफ राज को बताने के लिए उनकी फजीलत को बताने के लिए झूठी रवायतों का सहारा ना लिया जाए सच्ची रवायतें बहुत हैं बहुत खतरनाक मामला है बाद तो रसुल्ला की तरफ चीज मनसूब हो जाती है।, है और इसके रावी खुद मौलाम की पहली हदीस है बुखारी में भी है जिसने मेरी तरफ को झूठी बात मनसूब की जो मैंने नहीं फरमाई तो वो शख्स अपना मकाम जहन्नम में देख ले बोले बल्कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि सलाम जब जंग नहरवान के लिए जा रहे थे खबारिज के खिलाफ तो अपने साथियों का मोरल बुलंद करने के लिए क्योंकि वो साथी थे जो आपके जंग सिफीन के मौका पर आपसे टूट के अलग हुए तहकीम के इशू पर तो बाकी साथियों के दिल में था कि ये इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं और ये सब कुछ तो हज़रत अली ने हदीस बयान की बुखारी मुस्लिम दोनों में कि मैं आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ूँ ये तो मुझे गवारा है लेकिन ये बात गवारा नहीं कि मैं रसुल्ला के बारे में कोई ऐसी बात करूं जो मैंने खुद ना सुनी हो यानी हजूर पर हदीस बांधना ये इतना बड़ा जुर्म है कि कोई शख्स आसमान से ज़मीन पर गिरे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएँ वो अजाब कम है और रसुल्ला पर झूठ बांधने का अजाब बड़ा है तो फिर हजरत अली ने यह जुमला बोलने के बाद खवारिश के खिलाफ किताल करने के बारे में हदीस बयान की कि इस उम्मत के बेहतरीन लोग हैं जो खबारज को कतल करेंगे और मैंने खुद हजूर से सुना था और अल्फ़ाज़ तो हैं कि मैं अब अगर सारी बातें बताऊं तो शायद तुम में से बाद लोग उस फजीलत को इतना बड़ा समझें कि वो समझें आज के बाद हमें किसी नए काम की ज़रूरत ही नहीं है जितना बड़ा काम खबारिश के खिलाफ के करना है और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैंबू सईद खुदरी कहते हैं कि नहरवान के, के मौका पर उन खारजियो के खिलाफ हमने कताल किया जिनका वो बड़ा था जुल्ख वैसरा अ तमीमी नजदी वो जो बुखारी मुस्लिम में है कि वो घनी दाढ़ी थी उसकी आधी पिंडली तक तहमत थी आंखें धसी हुई थी जो आला हजरत कहते हैं एक वाभी खड़ा हुआ उसने कहा यार इंसाफ करें वो नजदी था ना तो वो वाबियों को नजदी कहते हैं ना तो उसमें नबील इस्ताम ने फरमाया कि इसकी नस्लों में भी ऐसे लोग पैदा होंगे और ए अली तुम रश्क करोगे उनकी नमाजों के ऊपर इतनी लंबी नमाजें पढ़ेंगे लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसा कि तीर अपने शिकार में से निकल जाता है और उस पर कोई असर बाकी नहीं रहता यानी आर पार जब शिकार से हो तो खून का असर भी नहीं उस पर होता ये हालत होगी और मैं अपने ज़माने में पाऊँ तो कौम आद की तरह उन्हें तबाह बर्बाद कर दो और अबू सीद खुदरी कहते हैं अल्लाह की कसम ये वो लोग थे जिनके खिलाफ हमने अली ने अभी तालिब के साथ मिलकर नहरवान में कताल किया ये बुखारी मुस्लिम दोनों में अल्फाज हैं ये जंग से फी नहरवान से मुतलिक सारी अदीस मेरे करबला वाले रिसर्च पेपर के अंदर मौजूद हैं तो बात वो शुरू हुई थी हजरत बिलाल की अज़ान से झूठे वाक़ात से ये सारे जज्बाती वाक्या हैं इस तरह हजरत बिलाल की तरफ ये भी एक झूठा वाक मनसूब है तारीख़ की किताबों में कि जी वह मदीना छोड़ गए थे कि मैं अब अजान दूँगा तो हजरत हसन हुसैन ने बाद में उनको रिक्वेस्ट की जब वो वापस आए अजान के लिए वो वाक़ भी वैसे आंसू निकालने के लिए बहुत अच्छा वाक़ वो हकीकत बात है वो इसको सुरूर में डूबा हुआ लेकिन इनकी इसनादी हैसियत कोई नहीं होती है इसलिए इस तरह के वाक़ात से बचने में ही आफियत है बाज़ात फिर उसके साथ अकीदे ऐसे जुड़ जाते हैं कि फिर हमें कुरान सन्नत के दलाइल का दिफा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है उन झूठे की वजह से यानी हम कह रहे हैं, कुरान हदीस तो पीरा पीरा। पढ़, पढ़, पढ़ रहे होते हैं ये कहानियां और वाक्यात सुना रहे होते हैं फिर क्यों किया जाता जी और फिर क्यों वो होने ही किधरे नहीं है हम रफ अल्दैन की हदीसें बयान कर रहे होते हैं ये कहते हैं जी वो ए फिर क्यों कह जाता है कि बुत रख के आते सन सरकार को पता नहीं सानू भी नहीं पता क्यों जाता है और बयान करने वाले भी उन नस गए जब से हमने कहा कि कोई झूठी हदीस ही सुना दे देफ छोड़ दें झूठी हदीस किसी किताब में लिखी हो यानी अंगूठे चूमने वाली झूठी अध हैं लेकिन कहीं लिखी हुई है मौजुआत शरीफ में वो घड़ी हुई अदीशों के ऊपर जो किताब लिखी है ना जौजी ने भी लिखी मुलाली ने भी लिखी और लोगों ने भी कि बड़ी-बड़ी घड़ी भी कौन सी हैं? लेकिन ये बगलों में बुत रखने वाली तो कोई घड़ी हुई भी भी नहीं है और पब्लिक के अंदर मशहूर है और जिमन में एक बरकत के लिए एक वाक्य अर्ज कर देता हूँ जो पब्लिक में इसी के साथ का एक झूठा और वाकया मशहूर है वो कहते हैं जी हजरत मीर माविया की एक दफा फजर की नमाज कजा होगी तो आप इतना रोए इतना आपकी हालत गैर हो गई तो दूसरे दिन आपने देखा कमरे में शैतान हूँ और आज आपको मैं जगाने आया हूँ तो फरमाया तो तो शैतान नमाज की तबलीग कब से करने लगा था यानी शैतान नमाज की तबलीग अजर अमीर माविया के दौर से कर रहा है शैतानी तबलीग नमाज के लिए क्यों हो रही है अगर तमीर माविया ने फिर तू कब से तू कब से मुबलि हो गया नमाज का तूने कब से नमाज की दावत देना शुरू कर दिया तो उसने कहा मुझे नमाज से कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे नमाज से कोई दिलचस्पी नहीं है दरअसल कल मैंने ही आपके तलबे सहला, सहला करके सुलाए थे लेकिन जमात छूटने की वजह से आप, आप इतना रोए 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 इतना रोग, इतना रोग, इतना रोग, रोग, रोग। कि आपको आपका रोना अल्लाह अल्लाह को को पसंद आ गया और ने फरमाया जमात छूटने का गम है इसको सत्तर जमातों का सवाब अदा कर दिया जाए तो मैंने सोचा एक बार सुला दिया तो सत्तर का सवाब ले लिया अगर आज भी सुला दूंगा तो सत्तर न मिल जाए इसीलिए उठिए जमात से पढ़िए और एक ही का एक ही जमात का सवाब हासिल कीजिए यानी जिन लोगों के बारे में कुरान और सुन्नत के दलायल में अगर कोई चीजें इनको ना मिले उनको ऊंचा करने के लिए इन्होंने झूठे वाकत मंसूब किए हैं और ये कौन लोग सुना रहे हैं जो ये कह रहे हैं नबी को भी इल्म गैब नहीं है वो शैतान का इल्म गैब मानते हैं और पता नहीं क्या कुछ मानना शुरू कर देते हैं वो कहते हैं जीत मी बाबिया की फजर की नमाज एक दफा कज़ा हो गई तो वो इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि अगले दिन उनको फजर के वक्त शैतान जो है ना इंसानी शक्ल में उठाने के लिए आ गया अच्छा जी शैतान उठाने के लिए आ गया क्यों वो कहते हैं इसलिए आया कि उस शैतान ने उनको बताया कि कल जो आप रोए थे ना उसकी वजह से आपका स्वाब कितने गुना बढ़ा दिया क्या तो मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा नमाज कजा करें और आपको फिर इतना स्वभाव रोने के ऊपर मिले तो मैं आपको फजर के वक्त उठाने के लिए खुद आ गया हूं अंदाजा करें आप यार यानी ये लोग किस तरह के झूठे वाकियात बयान करते हैं ये जो सवाब और रजाब का मामला है ये अल्लाह और फरिश्तों के दरम्यान राज है इसका शैतान से कोई लेना देना नहीं है आप शैतान का इलम गैब माने हुए मामू जी को बढ़ाने के लिए बजायर दूसरी तरफ कहते हैं नबी को नहीं पता यानी शैतान ने यारी लगाई हुई है फरिश्तों के साथ कि तू खबर लीक करनी है तो मैं फिर कल जगावागा किस किस नगाड़ा है लॉजिकल झूठी बातें इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है ये अल्लाह और बंदे का मामला है। फिर तो बड़ा अच्छा तरीका मतलब पता चल गया कि एक बंदा अगर नहीं उठता तो वो फिर ये इंतजार किया करे कि मुझे शिदान यहां उठाएगा आके वरना में रोजाना ज्यादा जो है मी की सुनत पर क्योंकि आप तो कहते हैं कि साहबा जो है वह सतारों की मानद है जिसकी भी पैरवी करो कामयाब हो जाओगे तो फिर पैरवी करें आप रोजाना नमाज गजा करें रोए और ज्यादा नमाजों का स्वाब कमाएं फिर तो हम पूरी इक्वेशन लगा के कुरॉलिस बना के पूरी पूरी इक्वेश बनाएंगे ये क्यों आप लोगों को झूठे वाकया सुना सुना के और उस शख्स का गिरविदा करने की कोशिश करते हैं कि जो खलफा राशिदीन के साथ और खूस चौथे खलीफा मौला अली अपने अभी तालिफ रदी अल्लाह तलाम के साथ जंग कर चुका है साबी होने का इतराम अपनी जगह वो सब कुछ हम रदील्ला भी कहते हैं लेकिन इस तरह आप किसी को ऊंचा करने के लिए इस तरह के झूठे वाकत तो मंसूब ना करें मैं जब आवाज देता हूं, वो कहते आ रहा हूं मैं मैं जब आवाज देता है मुस्तफा